नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी सेमेस्टर फर्स्ट का, जो आपका 3 जून को पेपर लगने वाला है, उस पर अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका पेपर कितने अंकों का आएगा, कितने पार्टों में बटाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मानचित्र कितने का आएगा, बड़े क्वेश्चन कितने आएंगे और पास मार्किंग क्या रहने वाला है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद में पास कैसे हो सकते हैं और आपका मॉडल पेपर पर भी बात करेंगे। मॉडल पेपर मैंने तैयार कर लिया है, इसी वीडियो के ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में अपन इसी वीडियो में मॉडल पेपर देखेंगे पीडीएफ के रूप में। तो आप ये मत सोचना कि मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। मैंने 5 सालों का एनालिसिस करके और 2024 का जो रेगुलर स्टूडेंटों का पेपर लगा था उसका एनालिसिस करके मानचित्र, छोटे छोटे अंकों के क्वेश्चन, बड़े अंकों के क्वेश्चन सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप मत कर देना वीडियो को, क्योंकि यदि आप स्किप कर दो कि इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं, तो स्किप नहीं करना है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितने रहने वाले हैं इसके। तो 100 अंकों का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंटों का। 80 अंकों का आता है, 20 अंकों के उसके मिड टर्म एग्ज़ाम के हो जाते हैं, तो 100 अंकों का उनका भी है। आपका पेपर 100 अंकों का रहने वाला है, जबकि इसमें पास मार्किंग कितने लाने होते हैं, तो 40% आपको अंक लाने होंगे। तो इसमें है ना, जो 40 अंक है ना जो आपको पास मार्किंग लाने होंगे 100 अंकों में से पास होने के लिए। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में पेपर पैटर्न को समझते हैं कि पेपर पैटर्न आखिरकार में क्या कहता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपका पूरा का पूरा पेपर 2 पार्टों में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा उसमें ये रेगुलर स्टूडेंटों के अनुसार बता रहा हूँ, यही पैटर्न आपके चलने वाला है। बस 20 अंकों का होता है कि 20 अंकों किस में जोड़े, क्योंकि आपका नॉन स्टूडेंटों का पेपर सेमेस्टर फर्स्ट का पहली बार हो रहा है, तो ये 20 अंकों का चक्कर पड़ता है कि 20 अंक किस में जोड़ेगा। तो 40-80 अंकों के तो अपन देख रहे हैं, ठीक है, ये मानचित्र शब्दावली ऐसे कैसे आने वाले हैं, इस पर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा उसमें जो ए वाला क्वेश्चन होगा वो संसार का मानचित्र आने वाला है, वर्ल्ड मैप आने वाला है, और इसमें वो कितने पॉइंट देगा, टोटल 10 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट देगा, और उसमें से वो 5 करवाएगा, ठीक है। प्रत्येक जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट जैसे मान लीजिए वो उसने दे दिया एंडीज पर्वत, तो एक पॉइंट कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा, 5 भरवा रहा है, तो गुणा 10 यानी 10 अंकों का आपका मानचित्र आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में उसी क्वेश्चन में बी वाला क्वेश्चन होगा, और वो क्वेश्चन होगा शब्दावली। ये शब्दावली क्या होती है, ज्योग्राफी की आप शब्दावली देखते हो, जैसे डेल्टा आप शब्द सुनते हो, ठीक है, तो इस प्रकार वो क्वेश्चन देगा। यानी टोटल इसमें भी है ना, जो आप देखोगे कि 10 शब्दावली देगा, उसमें से वो 5 शब्दावली करवाएगा, और 5 शब्दावली का मतलब एक जो शब्दावली होगी, जैसे मान लीजिए उसने डेल्टा दे दिया, तो एक शब्दावली 20 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 5 शब्दावली आपको करनी होगी, और 5 गुणा 2 यानी 1 शब्दावली 2 अंकों की होगी, तो 5 गुणा 2 10 अंकों का ये हो जाएगा, तो टोटल 20 अंकों का हो गया। इसके बाद में पार्ट बी जो होगा वो 60 अंकों का होगा, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा पेपर में, और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 क्वेश्चन वो देगा। टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे अथवा में दे रखा होगा, और 1 क्वेश्चन 15 अंक का है, तो 4 गुणा 15 ये 60 अंकों का हो गया, यानी 40 और 60 80 अंक तो ये हो गए, और प्लस जो 20 अंक है, ये 20 अंक है ना, या तो इसमें से बढ़ाएगा वो, इसको मान लीजिए वो 40 अंकों का कर देता है, तो 20 अंक इसमें कवर हो जाएंगे। यदि इसमें वो 20 अंक बढ़ाता है तो इसमें थोड़ा बढ़ा देगा वो, यानी ये 20 अंकों का कर देगा, ये भी 20 अंकों का कर देगा, तो 40 अंक ये कवर हो जाएंगे, या फिर है ना जो 20 अंक है ना जो इसमें कवर करेगा, तो वो उस पर निर्भर करेगा
क्वेश्चन इसी प्रकार आने वाले हैं सारे के सारे। और ये शब्दावली जो होती है ना, जैसे इंसेल वर्ग दे दिया उसने, ज्वालामुखी दे दिया, शब्द दे दिया, बस शब्द उस ज्वालामुखी पर लिखना होता है। अब डेल्टा दे दिया, डेल्टा 2024 में आया था ना, तो डेल्टा के बारे में क्या जानते हो आप, नदियों द्वारा बनता है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने मॉडल पेपर में कवर कर ली है। आपको यहाँ पर अब पास कैसे होंगे, ठीक है, तो रामबाण चीज़ें की बताऊँगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, 50 अंकों का आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ये प्रैक्टिकल है ना जो कब होगा, अभी डेट नहीं है, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंट होगी तो कभी भी आ सकती है। तो ये 50 अंकों का प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो 100 ये और 50, ये भी 150 अंकों का टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पास कैसे हो सकते हैं, मॉडल पेपर तैयार किया है मैंने, ठीक है, मॉडल पेपर 2024। अब आपका काम मैंने है ना जो आसान कर दिया, क्योंकि आप मेरे हमारे है ना जो प्यारे स्टूडेंट हो, और जो मेहनत आपको करनी चाहिए थी वो मैंने कर दी है, ठीक है। इसमें है ना जो मैंने सिलेबस को ध्यान में रखा है, सिलेबस को, उसमें चार यूनिट हैं और चार यूनिट के अनुसार दो दो क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं वो। दूसरा ध्यान दिया है 5 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तीसरी चीज़, 2024 में जो रेगुलर स्टूडेंटों का सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस किया है, उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं क्योंकि रिपीट होंगे। और इसमें जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप भी दे दिया मैंने और ये चीज़ें भी दे दी। तो आइए अपन है ना जो उस मॉडल पेपर को देखते हैं। आपका मॉडल पेपर है, इसमें मैंने अभी अभी बताया है जो पहला क्वेश्चन आने वाला है उसमें ए वाला आपका संसार का मैप रहेगा, इसमें से आपको 5 करने पड़ेंगे। तो मैं 5 पॉइंट बता दूं और वो आ जाएं तो मैं तो भगवान हो जाऊंगा, तो मैं भगवान नहीं हूं। 5 पॉइंट एक्यूरेट बताना संभव नहीं है, 25-30 अपन पॉइंट याद कर ले तो चांस है कि अपन के 5 पॉइंट सही हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर 10 पॉइंट देगा उसमें से 5 करने होंगे। तो ये टोटल 25 पॉइंट है, और ये कहां पर देखना है वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। और इस मॉडल पेपर में जो जो क्वेश्चन दिए हैं उनको भी मैंने पढ़ा रखा है, तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर है ना जो पहला क्वेश्चन इसी में है, पॉइंट सारे सारे बता देता हूं। लिपारी द्वीप, सुपीरियर लेक, अजो सागर, गिन्नी की खाड़ी, वोल्गा नदी, आटाकामा मरुस्थल, सारस पर्वत, बैरिंग सागर, कैस्पियन सागर, कांगो नदी, नाबी मरुस्थल, अमेजन नदी, अपलेशियन पर्वतमाला, मिशिगन झील, माउंट एवरेस्ट, पनामा नहर, सवाना घास के स्थल, पेहरी घास के मैदान, एटलस पर्वत, कालाहारी मरुस्थल। आप देख रहे हो इसमें घास के मैदान भी आते हैं, पर्वत भी आते हैं, नदी भी आती है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी है भाई, इसमें सब कुछ आएगा। रॉस सागर, हवाई द्वीप, एंडीज पर्वत, माउंट किलिमंजारो, सहारा मरुस्थल। तो ये टोटल 5 सालों के जो पेपर हैं उनका एनालिसिस करके बनाया गया है और रिपीट होते हैं। और ये जो 2024 का पेपर हुआ था ना उसमें भी मैंने वहाँ से भी पॉइंट उठाए हैं। तो ये टोटल है ना जो 25 पॉइंट है इसको बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। ये कहाँ पर मिलेंगे, इसमें से आधे से ज़्यादा पॉइंट पर तो मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसमें से आपको मिल जाएंगे। वो कैसे देखनी मैं बता दूंगा आपको अभी। अभी मैं अगले क्वेश्चन पर बात कर लेता हूँ। बी वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें निम्न में से किन्हीं 5 को समझाइए, तो एक को है ना जो अपन 20 शब्दों में समझाना है, और ऊपर देख लेना निर्देश में और क्वेश्चन में भी लिखा आएगा कि वो कितने शब्दों में बोल रहा है, उसी के अनुसार आपको चलना है। एक बार निर्देश जो है ना वो पढ़ लेना। यहाँ पर 5 आपको बताने हैं तो अपन टोटल 15 कर लेना तो फिर सही हो सकते हैं। पहला है इंसेलबर्ग, इसके बारे में पूछा, तो इंसेलबर्ग क्या है, हरेते भूसन्नति मोह असंबद्धता, डेल्टा बैथोलीथ, भूकंप मूल, टोर्नेडो, फोटोन, अश्वक्षांश, नूनातक, अल्पाइन पर्वत, सियाल, हिमनद और महासागरीय धाराएं। इनमें से यदि 5 भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको कहाँ पढ़ने हैं सारी चीज़ों को एक साथ में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में बता दूंगा एक साथ ही कहाँ पढ़ोगे आप। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन उसी में आएगा, और इसमें टोटल मैं 9 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि 9 बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो आपका पास ही नहीं होंगे, अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति पर टिप्पणी करें, तो बिग बैंग थ्योरी जो थी वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताती है, किस प्रकार उत्पत्ति हुई। 15 अंकों का क्वेश्चन आने वाला है।
ये बार बार रिपीट होता है। वैगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का वर्णन करें, 15 अंकों का है, तो ये पहले भी रिपीट होता था, और 2024 का जो पेपर हुआ था रेगुलर स्टूडेंटों का, उसमें भी ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को समझाइए, 15 अंकों का क्वेश्चन है। जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो किस प्रकार एक दूसरी दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या भाग का विस्तार से वर्णन कीजिए, पृथ्वी के जो अंदर का भाग है ना, कितनी परतें हैं, वो सारी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ज्वालामुखी का और समझाते हुए इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, तो ज्वालामुखी के बारे में पूछ सकता है वो, और इसके द्वारा पृथ्वी के अंदर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे मैग्मा है ना जो ठंडा हो जाता है, बाहर भी लावा या मैग्मा जो बाहर आकर ठंडा होता है उससे आकृति बनती है और अंदर भी आकृति बन जाती है, तो उसके बारे में बताना है। अनाच्छादन को परिभाषित करें, अपरदन चक्र पर डब्ल्यू एम डेविस के विचारों की चर्चा कीजिए, 15 अंकों का क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन आया है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में चट्टान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो चट्टान का अर्थ और इसके अंदर जो चट्टाने आते हैं जैसे आग्नेय, कायांत्री चट्टाने और एक और प्रकार है रूपांतरित चट्टाने, ऐसा कुछ है, तो 3 प्रकार की चट्टाने हैं ये, इन पर आपको बड़े तरीके से पढ़ना है उनको, इनका अर्थ आना चाहिए। नदी के अपरदन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए, नदियों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन करें, ठीक है, जो नदी अपरदन से जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनका वर्णन करना है। इसमें नवा क्वेश्चन है, ग्लेशियर हिमनद कैसे बनते हैं, हिमनदों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन करें, तो 15 अंकों का ये है। 9 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपके अच्छे अंक आने वाले हैं। अब इनको आपको कहाँ देखना है वो सारी सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, या तो आप है ना जो यूट्यूब के सर्चिंग बॉक्स में धैर्य स्टडी पॉइंट डालना है, ऐसा डालोगे तो इस प्रकार का आपको दिखेगा, या आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें धैर्य स्टडी पॉइंट का कहीं पर भी लोगो है ना, उस पर क्लिक कर दो, तो मैं इस लोगो पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इस लोगो पर क्लिक करने के बाद में ये आप देख पा रहे हो होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव और प्लेलिस्ट, मैंने अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। इसके बाद में जो पहली प्लेलिस्ट अभी मैंने तैयार की है, इसमें एक साथ मैंने वीडियो डाल दी सारी सारी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यदि भौतिक भूगोल 5 अंकों का मानचित्र, ये 1 साल पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आपको तो पॉइंट से मतलब है कि पॉइंट कहाँ पर, कौन सा पॉइंट कहाँ पर भरा हुआ है, तो मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट इसमें मिल जाएंगे, और कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो आप अदर सोर्स से अपने आप आपको पता लगाना होगा, ठीक है। और इस भौतिक भूगोल में जो पॉइंट दे रखे हैं वो सारे याद करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ यहाँ से भी तो आ सकते हैं ना क्वेश्चन। तो इसमें 19,000 लोगों ने इसको देखा है और बहुत फ़ायदा भी मिला है इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और बाकी जो पॉइंट बच जाएँ वो अपने आप आपको तैयार करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था शब्दावली को लेकर, इसको लेकर 3 वीडियो हैं, ठीक है, ये 3 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2 चित्रों के माध्यम से बढ़िया तरीके से मैंने इसको समझाया है, तो इसको बढ़िया तरीके से आपको देखना है। इसके बाद में आप जो बड़े क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपको कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो नीचे जाओगे, इसमें मैंने बहुत सारी क्लासें आपके लिए ली थी, आपको पता नहीं है ऐसे देख लिया करो इसमें क्या क्या डाला हुआ है, ये बीए के क्लास का ही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आप क्या जाएगा, तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें मिल सकते हैं आपको टॉपिक, देखो ये रहा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बड़ा क्वेश्चन मैंने बताया है, ये 2 वीडियो में आपके कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी बीए पार्ट फर्स्ट वाली जो प्लेलिस्ट है इसको खोलना है, ठीक है। इसके बाद में इसमें आप देखोगे तो चट्टान, देखो ये चट्टान वाला टॉपिक है, इसको बढ़िया तरीके से मैंने तैयार करवाया है, इसमें प्रकार आ जाएंगे आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में, 2 वीडियो में मैंने बढ़िया तरीके से कवर कराया है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना आएगी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, वो आपके इन 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, 3 या 4 वीडियो में, ठीक है। इसके बाद में और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें, हाँ ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत मैंने अभी अभी बताया है, उसको भी इसमें बढ़िया तरीके से तैयार करना है। तो फ्रेंड्स ये थे और बाकी के क्वेश्चन, आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत शानदार रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।